everyone, you are welcome to Best notes tutorial. In this video, we will be talking about the Fairy Queen. Fairy Queen, one of the finest work by Spencer, and it was written in installments. Likha gaya tha. Hopefully, you have watched all other videos, previous uploads. Uh, let me tell you if you are visiting first time my channel, uh, we have uploaded uh, lots of videos on English literature. एंड इन दिस सीरीज़ वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एट वीडियोज़ तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ होपली देख ली होंगी तो चलते हैं अगले ए, अगले सेक्शन में यहाँ पर फर्स्ट थ्री बुक वो बुक्स वो पब्लिश इन बिटवीन फिफ्टीन एटी नाइन टू नाइन्टी जो फर्स्ट थ्री लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपकी एटी नाइन टू नाइन्टी के बीच में and second three were written in 1596 and book sixth was published in it was in uh, 1609 uh, so we will discuss the details as well but here are some short notes as well so whole book uh, was in 12 segments so jo plan kiya yatho 12 segments uh, segment six were in lifetime and six after death so prince arthur central character सो so, जो प्रिंस कैरे प्रिंस आर्थर है और इसमें ग्लोरियाना जो है ये दोनों के दोनों इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स से हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि फेरी क्वीन जो है वो किसने लिखी है हु रोट uh, फेरी क्वीन सो हु इज़ द राइटर ऑफ फेरी क्वीन सो इट वॉज़ ही वॉज स्पेंसर एंड हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर सो यू कैन सी द थ्री वर देयर and 12 segments were there how many segments were there so 12 segments were there 6 were uh, in lifetime and 6 after death or depend work so who are the central character of the work prince arthur and gloriana first books were published so when were first three books were published so it was for 1589 to 90 and second got published in 1596 and book 6th got published in uh, 1609. Here 12 knights represent different 12 virtues. yahan pe jo 12 knight hain wo 12 virtues ko represent करते हैं इस work में. So इससे related अगर कोई question पूछा जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. That's why you need to remember all these. बुक फर्स्ट लीजेंड ऑफ़ नाइट ऑफ रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस जो लीजेंड ऑफ़ नाइट ऑफ रेड क्रॉस है वो किस को रिप्रजेंट करता है वो रिप्रजेंट करता है आपका हॉलीनेस को द लीजेंड ऑफ सर गोयान सो सर गोयान जो हैं वो टेम्परेंस को रिप्रजेंट करते हैं सो दीज़ आर वर्च्यूज़ हेर यू कैन सी दीज आर वर्चूज एंड ही यू कैन सी दीज आर नाइट्स द लेजेंड ऑफ़ ब्रिट मेट मोर्टिस सो ब्रिट मोर्टिस जो है वो चेस्टटी को रिप्रजेंट करते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज द लेजेंड ऑफ़ कैम्बल एंड ट्रायमंड कैम्बल एंड ट्रायमंड ये फ्रेंडशिप जो वर्च्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं द लीजेंड ऑफ आर्टिकल सो लेजेंड ऑफ आर्टिकल है वो है आपका जस्टिस द लीजेंड ऑफ सर कैलिडोर सो ही रिप्रजेंट करट ही The whole work is written in स्पेंसेरियन stanza. So, स्पेंसेरियन stanza किस को कहा जाता है वह है आपका rhyme विद रैम स्कीम ए बी b बी बी सी c सी और जो लास्ट लाइन होती है वो होती है आपकी अलेक्जेंड्राइन तो इसमें लास्ट लाइन को अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है और अलेक्जेंड्राइन ऐसी लाइन होती है जिसमें सिक्स आइम्बिक फीट यूज़ होते हैं so, can सी वर्च्यूज़ वर्च्यूज़ के नाम आप लोग याद रख सकते हैं हॉलीनेस टेम्परेंस चेस्टिटी फ्रेंडशिप जस्टिस एंड कर्टसी एंड देन यू कैन मेक अ सीरीज ऑफ दिस लाइक रेड क्रॉस गियान एंड ब्रिट मॉर्टिस कैमिल एंड आर्टिकल एंड कैलिडोर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट द फेरी क्वीन रिलीजियस एलेगरी प्लस एथिकल एलिगरी तो अगर हम बोलें कि Uh, किस कैटेगरी में फेरी क्वीन आती है सो फेरी क्वीन जो वर्क है स्पेंसर का वो आता है आपका रिलीजियस एलेगरी तो है ही साथ साथ में इथिकल एलेगरी की कैटेगरी में भी आता है सो बेसिकली इट इज़ एन एलेगरी एंड रेड क्रॉस नाइट तो यहाँ पर जो है आ, अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है सो so, इसमें आप लोगों का है रेड क्रॉस नाइट वो आपका खुद सिडनी है अना जो इसमें है वो है आपका रिलीजियस और प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करती है सो दिस विल बी द क्वेश्चन ओके सो विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट प्रोटेस्टेंट चर्च और रिलीजियस सेक्ट सो शी वॉज अना ना डुएसा डुएशा मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट कैथोलिसिज्म तो ये जो डुएशा है वो कैथोलिसिज्म Uh, को रिप्रेजेंट करती है अगर आपको नहीं पता तो क्रिश्चियन में दो मेजर सेक्ट हैं और दो मेजर पार्ट उसके होते हैं पहला है कैथोलिज्म कैथोलिसिज्म कैथोलिसिजम ज़्यादा पुराना है एंड प्रोटेस्टेंट जो हैं वो बाद में आए वो कैथोलिक्स के अगेंस्ट हैं सो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे उनके थाट्स में मर्सीला मर्सीला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है सो शी वॉज क्वीन एलिजाबेथ बॉर्बन बॉर्बन जो है वो हैंनरी फोर्थ ऑफ फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है टीमियस टीमियस जो है वो रालिफ को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्लैंड मोर एंड पैरिडॉल ये अर्ल ऑफ नॉर्थ मोलन एंड वेस्ट मोलेन को क्या करता है रिप्रेजेंट करते हैं रिनेसा इन स्पेंसर्स पोइट्री अगर हम बात करें कि स्पेंसर की जो पोइट्री है उसमें कौन कौन सी आ, चीज़ें विनेसा को दर्शाती हैं या बर्थ ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं मी टेल यू कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनका एक शॉर्टकट भी आ, दूंगा, सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इनका पूरा आपको एक शॉर्टकट जो मैंने बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो पहली चीज़ है इसमें स्प्रिट ऑफ एडवेंचर एंड लव फॉर एक्टिव लाइफ तो ये हमने जब रूनीसा का इंट्रोडक्शन देखा था दैट टाइम वी आल्सो हैव गॉन थ्रू दिस यू नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिनेसा पार्ट रुनेसा इज क्या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्प्रिट ऑफ एडवेंचर है ओके okay. तो ये हमें किस में दिखाई देता है फेरी क्वीन में दिखाई देता है कोई वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी एज का वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दैट एज वेरी वेल उस एज को बहुत अच्छे से वो क्या करता है रिप्रेजेंट करता है सेंसुएसनेस एंड लव ऑफ ब्यूटी दो एक दूसरी चीज़ है सेंसुअसनेस एंड लव फॉर ब्यूटी एंड थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल लर्निंग का क्या है इन्फ्लुएंस हमें सारी चीज़ों में दिखाई दे रहा है अगर हम ये भी देखें किंग आर्थ और ग्लोरियाना को भी देखें तो ये आपका क्लासिकल लर्निंग से ही रिप्रजेंट करता है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हमें क्लासिकल लर्निंग की वजह से देखने को मिलती है कहने का मतलब ये है कि जो स्पेंसर है ही हैज़ टेकन द एग्जाम्पल्स फ्रॉम क्लासिकल लर्निंग और क्लासिकल वर्क सो होपफुली कि आप लोगों को जो फेरी क्वीन है उसके बारे में मोस्ट ऑफ चीज़ें पता चल गई होंगी और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं आपके वर्क्स में सो uh, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर